सड़क पर बेतरतीब तरीके से टेम्पो लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। दर्जन भर ऑटो को जब्त कर थाने ले गई पुलिस। लाल बत्ती का अनुपालन नहीं करने पर ऑन स्पॉट फाइन भी। यातायात के डीएसपी मंगलवार को अहियापुर शहीद भगत सिंह जीरो माइल चौक पर पहुंचे और चौतरफा निरीक्षण किया। डीएसपी धीरज कुमार ने बताया कि जीरो माइल पर जाम की एक बड़ी समस्या है, इससे निपटना है। इसके लिए विगत सप्ताह अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। वहीं सुधा डेयरी के पीछे एवं बाजार समिति के निकट तत्काल दो जगह ऑटो पड़ाव स्थल चयनित किया गया है, जहां ऑटो लगाना और खोलना है। ए मुकेश राय, आपका क्या इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट हमारा सर यही है कि सर मेरा पीछे मार्केट, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं कि दुकान हमारा लगाना। हमारा स्टैंड जहाँ स्टैंड इनका वहाँ चले जाए, हम वहाँ दुकान नहीं लगवाएंगे सर। लेकिन एकदम वहाँ पर फायदा है हमारा पीछे करने के। आप दुकान लगवाते हैं? नहीं लगवाते। फिर आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति है ही लगा के हमने मार्केट में ना भाई। हम बता रहा हूँ, वहाँ पर स्टैंड लगा रहा है, पहले गाड़ी मारने लगता था, खाली हम लोग आने जाने में सुविधा है। हमारा इधर स्टैंड चीनी तो है जी, कुमार शाही डिजिटल न्यूज 20 से अभी चीफ रिपोर्टर। अभी आप सर ये बताएं हमको कि अभी जीरो माइल चौराहे की निरीक्षण किया है, क्या उद्देश्य था? जमीन मालिकों से भी बातचीत किया है और टेम्पो इंचार्ज लोगों से भी बातचीत हुई है। जीरो माइल पे जाम की समस्या है, उससे निपटना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो टेम्पो इंचार्ज हैं, जो टेम्पो चलाते हैं, वो लोग जो टेम्पो स्टैंड जहाँ चिन्हित हुआ है वहाँ पे टेम्पो लगाएं। सीतामढ़ी वाले जो रोड है, यहाँ पे सुधा डेयरी के पास एक हमारा टेम्पो स्टैंड है, एक सब्जी मंडी है ना, वो वहाँ पे एक स्टैंड चिन्हित है बाजार समिति के पास। इस रोड में SKMCH वाले रोड में अभी स्टैंड की थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये लोग रोड पे टेम्पो लगा रहे हैं, लेकिन रोड पे नहीं लगाना है। हम लोग का प्रयास है कि रोड के बाएं साइड लगाएं जब तक स्टैंड चिन्हित नहीं हो जाता है। दूसरा है कि जो ठेला वाले सब्जी वाले जो रोड पे इंक्रोच करके लगा रहे हैं, उनको भी बताया गया है, हिदायत दी गई है, अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आगे इनसे कार्रवाई होगी। अभी अभी सर अतिक्रमण यहाँ मुक्त हुआ था, इसके बावजूद ही फिर लोग सड़क पर चढ़ चुके हैं, और जिसके कारण ऑटो चालकों की बड़ी परेशानी होती है कि वो लोग कर्ज ले करके ऑटो लिए हुए हैं और उनको पार्किंग स्थल चयनित नहीं है, जिसके लिए पार्किंग स्थल चयनित है बाजार समिति, तो वो पार्किंग स्थल ऑलरेडी फंक्शनल है, लेकिन ऑटो चालक लगाना नहीं चाहते हैं, और अगर नहीं लगाएंगे रोड पे लगाएंगे तो इस पे 2500 का फाइन है। हम लोग कर रहे हैं फाइन, फाइन कब से शुरू हो जाएगा सर? रोज फाइन हो रहा है, अभी 10 टेम्पो गया भी है थाना में, उसका कागज पत्र वेरीफाई होगा, उसको 5000 फाइन किया जाएगा, तब छोड़ा जाएगा। और टेम्पो के इंचार्ज लोग आए ही हैं। अच्छा, ये लोग से पूछिए क्यों नहीं लगवा रहे हैं। अच्छा, ये बातें हैं। और अतिक्रमण मुक्त सर कब होगा? अतिक्रमण मुक्त है ऑलमोस्ट, जो है रोड के किनारे ही लोग अपना दुकान लगा रहे हैं। हम लोग यही उनसे कह रहे हैं कि रोड के किनारे ही लगाइए, रोड पे मत लगाइए। आप बताइए, आप ऑटो संघ के अध्यक्ष हैं, क्या समस्या अभी डीएसपी साहब ने जो बताया? डीएसपी साहब ने जो बातें कहा, हम लोग उनकी बातों को बिल्कुल ओवे करते हैं, लेकिन हम लोग का सही जगह मिलना चाहिए। जब तक जगह चिन्हित नहीं होगा खाली कराते, हमने कहा उसका सीमांकन करवाइए कि भाई जगह लगे, कल होकर फिर दुकान लगा लेता, गाड़ी रोड पर आ जाता। हमारा प्रशासन से मांग है कि जो जगह आप चिन्हित करेंगे बोर्ड लगाए पड़ाव का, हम लोग गाड़ी वहां लगाएंगे। बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि जीरो माइल फ्री रहे, लेकिन शासक प्रशासन जो है उस जगह को अलॉट करा खाली कराने का काम करें। ये नहीं करने का 25,000-5,000 गाड़ी गरीब का है, फाइन करने का तो पावर है, सब फाइन कर देंगे। फाइन कोई समाधान नहीं है। हमारा कहना है चिन्हित करें, अगर कोई मेरा टेम्पो वाला गलत करता है उस पर कार्रवाई करें, लेकिन जो जाना जाता सही है उस पर कार्रवाई ना हो। पार्किंग स्थल अभी आपको नहीं मिल पाया इधर? बिल्कुल ही नहीं मिल पाया, वो तो खाली। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि बाजार समिति के पास और सुधा डेयरी के पीछे आपको पार्किंग स्थल दो जगह चयनित हो गया है, इसका क्यों नहीं उपयोग किया जा रहा है? जहाँ चिन्हित हो गया, अभी सुधा डेयरी के पास पीछे देख लीजिए गाड़ियां लग रही है, उसमें जो जगह हमारा चिन्हित हो गया बाजार समिति के सामने, बाजार समिति का अभी अंडर डेवलपमेंट है, कम्प्लीट नहीं हुआ, कम्प्लीट होगा तो हमारी गाड़ी वहाँ भी लगेगी। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जीरो माइल चौक पे जितने भी मार्केट है उनके आगे जो भी अतिक्रमण है वो मार्केट मालिक खुद लगवाते हैं, क्योंकि ठेला वाले तो जाए कहाँ, और ऑटो चालक की बात है तो ऑटो चालक तो रोड का परमिट देते हैं, टैक्स देते हैं, तो वो तो रोड पे ही चीज है। जब अस्थायी रूप से हम लोग को जगह मिल जाएगा, हम लोग रोड पे लगाएंगे ही नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग को इस चीज से शोषण किया जा रहा है। जरा आप बताइए क्या कहना है आपका? यहाँ जीरो माइल पे 250 फीट है रोड का जमीन, सही बात है, यहाँ तो जाम लगना ही नहीं चाहिए। अगर यहाँ जाम लग रहा है तो सही बात है, कहीं ना कहीं यहाँ के लोग में कमी है, यहाँ के प्रशासन में कमी। लेकिन एक बात बताइए, अगर रोड का जमीन है, टैक्स देता है गाड़ी वाला रोड पे,
आखिर कोई भी मार्केट मालिक पीछे है, वो अपना ठेला है तो रोड सटा के लगवा रहे, तो दोषी कौन है? अगर ठेला रोड सटा के लगेगा तो गाड़ी कहाँ लगेगा? आखिर रोड कहीं ना कहीं ऑटो है, कहीं ना कहीं उसको सवारी उठाना है, वहां से फिर उसको पहुंचाना है, वो तो रोड पे ही लगेगा। अगर साइड में जगह हो तब ना, लेकिन देख लीजिए ठेला, तो अगर ठेला रोड पे रहे तो गाड़ी कहाँ लगेगा? और ई ठेला वाला है, ठीक है ये भी गरीब है, तो ई गरीब है तो ऑटो वाला तो अमीर नहीं है, वो भी गरीब है, उसको भी टैक्स देना आती है, टैक्स देता है वो भी, तो मतलब किस्त भरता है गाड़ी का, किस्त भरने के बाद भी इनसे भी मान लिया ई भी है, इनका क्या, इनका भी कोई दोषी नहीं है? अगर हम समझते हैं कि अगर मकान मालिक अपने आगे एक गाड़ी नहीं खड़ा होने देता है तो इनको लगाने देगा? बड़ी जान की समस्या है कि जितने भी मार्केट मालिक है सभी अपनी अपने दुकान के आगे ठेला लगा के रुपया वसूली करते और कहते हैं कि ऑटो वाले रोड पर जाए, और जब ऑटो वाले रोड पर जाएंगे तो जाम की समस्या तो उत्पन्न होगा ही। जाम की समस्या जब न उत्पन्न होगा कि जब रोड पर गाड़ी ठेला नहीं लगने थे, आप मार्केट के आगे ठेला लगवाइएगा, रुपया वसूली कीजिएगा, कहिएगा टेम्पो वाला रोड जाम करता है, ये सरासर अन्याय है टेम्पो वाले के साथ। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।